हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। और मैं प्रज्वल सिंह आपका टॉप 10 क्लासेस में बच्चों स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने कार्बन और उसके श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है इसके विषय में अध्ययन कर लिया था, और आज हम बात करेंगे आपका हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चों। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन जो वर्ड है बच्चों दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, किससे किससे, हाइड्रो धन कार्बन। तो हाइड्रो का मतलब होता है बच्चों हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब होता है बच्चों कार्बन। तो ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4, जैसे C2H6, ये सब क्या है बच्चों, आपके हाइड्रोकार्बन हैं। तो यदि हम बात करें हाइड्रोकार्बन क्या है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं हम ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन व ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन डेफिनेशन क्या निकला बच्चों, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने उन्हें हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। जैसे आपका CH4, जैसे बच्चों आपका CH4, तो CH4 में क्या है, कार्बन है, और क्या बच्चों आपका हाइड्रोजन है, ये क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होगा। जैसे बच्चों लिख दिया CH3, कहने का मतलब C2H6, ये भी क्या बच्चों आपका हाइड्रोकार्बन। अगर कोई बच्चों आपसे पूछे CH3OH ये क्या है आपको बच्चों, तो आप क्या बताएंगे, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, क्योंकि देखिए इसमें ऑक्सीजन भी आ गया। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट आ जाता है तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। ये क्या बच्चों, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। तो ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और भी कोई एलिमेंट आ जाता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। तो यदि हम बात करें हाइड्रोकार्बन के प्रकार के बारे में, हाइड्रोकार्बन के प्रकार, हाइड्रोकार्बन के प्रकार, तो हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से बच्चों आपके दो प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है आपका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा क्या बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है बच्चों, तो कार्बन बच्चों तीन प्रकार के बंध बनाता है, एक कार्बन आपका एकल बंध बनाता है बच्चों, एक कार्बन डबल बंध बनाता है, और एक कार्बन क्या होता है आपका त्रिबल बंध बनाता है। तो एकल बंध बनाता है, डबल बंध बनाता है, द्विबंध और त्रिबंध बनाता है। तो कार्बन तीन प्रकार के बंध बनाता है, और आपको एक बात पता होगी बच्चों, जितने भी एकल बंध होते हैं वो क्या होते हैं आपके सिग्मा होते हैं,
और जो आपके बच्चों डबल बंद होते हैं उसमें एक सिग्मा होता है और क्या होता है आपका पाई होता है, और जो त्रिबल बंद होते हैं त्रिबंद उसमें आपका एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। और एक बात बच्चों और यदि आप मजबूती की बात करें कौन सा बंद मजबूत होगा सिग्मा की पाई, तो याद रखिए हमेशा पाई बंद ज़्यादा मजबूत होता है कंपेयर टू सिग्मा। सॉरी आपका यदि बात करें तो सिग्मा बंद ज़्यादा मजबूत होता है कंपेयर टू पाई, तो ये बच्चों आप जानते रहिएगा। तो यदि कार्बन और कार्बन के बीच बच्चों एकल बंद मतलब सिग्मा बंद पाया गया तो संतृप्त कि मजबूत है, और उसको तोड़ना क्या है बच्चों कठिन है। अब तोड़ना कठिन है तो वहाँ पर जो अभिक्रियाएं होती हैं वहाँ पर आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, जबकि आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। तो अब देखिए बात करें संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन यहाँ बच्चों आप लिख रहे हैं आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है बच्चों ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन कार्बन व कार्बन के बीच एकल बंद मतलब बच्चों एकल बंद मतलब आपका सिग्मा उपस्थित होता है, सिग्मा उपस्थित तो होता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4 इसको हम संतृप्त ही मानेंगे, जैसे आपका CH3 और CH3 यदि इसका स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बच्चों ने बना दिया, और इसका स्ट्रक्चर आप इस प्रकार से बना सकते हैं ये बच्चों क्या आपका एथेन है, और यहां पर देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बंध है एकल बंध है सिग्मा बंध है, तो आपका क्या हुआ बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन हुए। तो अब हम आपका बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, अभी हमने बताया कि कार्बन और कार्बन के बीच में यदि कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध होगा तो वह किसी से अभिक्रिया करना जल्दी नहीं चाहेगा, वह अपना बंध नहीं तोड़ना चाहेगा, मतलब वो आपका क्या संतृप्त होगा। और यदि कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध होगा मतलब एक पाई होगा, मतलब एक आपका पाई होगा, और यदि आपका पाई हुआ तो वह आसानी से ब्रेक हो जाता है, मतलब आपका यौगिक असंतृप्त हो गया। और सिग्मा में आपका त्रिबंध में आपका दो पाई होगा मतलब और ज़्यादा असंतृप्त हुआ। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या बच्चों इसे हम लिख सकते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन
जिसमें कार्बन व कार्बन के बीच, जिसमें कार्बन व कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे आपका CH2 डबल बंद CH2, CH त्रिबल बंद CH, जैसे अच्छा CH2 ये बच्चों, ये सब क्या बच्चों? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए यहाँ पर डबल बंद आया, मतलब मतलब क्या, एक सिग्मा और एक पाई यहाँ पर बच्चों, एक सिग्मा और दो पाई, और यहाँ पर बच्चों ये सिग्मा रहा और ये सिग्मा और एक पाई। तो अगर आपका पाई आ रहा है बच्चों तो आप कहिएगा वो क्या होगा, असंतृप्त होगा, क्योंकि पाई बंद आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो ये लेक्चर रहा बच्चों आपके संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो यहाँ से आपके बच्चों कम से कम दो नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे। और एक फार्मूला याद कर लीजिएगा आप कि एल्केन एल्केन एल्कीन और बच्चों एल्काइन। अब एल्केन क्या होता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या का नाम बच्चों एल्क होता है। अगर आप एकल बंध के लिए हमेशा क्या जोड़ते हैं बच्चों, एकल बंध के लिए क्या जोड़ते हैं एन, द्विबंध के लिए इन, और त्रिबंध के लिए बच्चों आइन। और आपको पता है कि यहां पर हम लिख दे रहे हैं आपका कार्बन परमाणुओं की संख्या का नाम एल्क होता है। एल्केन का क्या मतलब है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बंध होगा, मतलब एल्क प्लस एन मतलब एल्केन। तो आपका एल्केन क्या होगा बच्चों, जैसे आप कब लिख दिया CH3, ये क्या बच्चों आपका एल्केन है। और जैसे बच्चों में लिखा आपका CH2 डबल बंद CH2 एल्कीन है, और जैसे लिखा CH त्रिबल बंद CH, तो ये क्या बच्चों एल्काइन है। और इनका जो जनरल फार्मूला होता है बच्चों, तो एल्केन कैसे बना, देखिए अगर n इक्वल टू यहाँ पर 1 रखना चाहें इस फार्मूला में CnH2n+2, तो क्या आएगा बच्चों, अगर 2 रख कर देखेंगे तो आपका क्या आएगा CH3 आएगा। मतलब बच्चों आपका C2H6 आएगा। अगर बच्चों n इक्वल टू यहाँ पर 1 रखें तो CH4 आएगा, और n इक्वल टू कितना रख दे बच्चों 2 इस फार्मूला में, तो क्या आएगा आपका CH3 आएगा। तो मतलब इसका जो फार्मूला निकला CnH2n+2 निकला। और इसका देखिए बच्चों कार्बन जितना हाइड्रोजन दुगना है ना, जितना कार्बन हाइड्रोजन का दुगना, तो इसका फार्मूला CnH2n, और इसमें जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन। तो मतलब जैसे बच्चों एक एग्जांपल और लेते हैं आपका, हम CH3 C3CH, तो 3 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो इसके लिए बच्चों जो फार्मूला आती है वो CnS2n- कितना होता है बच्चों, 2 होती है। n बराबर यहाँ पर रखिए 2 रखिए, जहाँ n पे कार्बन परमाणु की बच्चों क्या होती है संख्या होती है 2 रखिए, तो क्या आएगा C2H2-2, तो C2 दो दूरी 4 में से C2 ठीक है बच्चों। अगर बच्चों यहाँ पर n बराबर 2 रखिए तो क्या आएगा आपका C2
एच टू इंटू टू माइनस टू, तो सी टू एच फोर माइनस टू मतलब क्या होता है सी टू एच टू। तो ये किसका फार्मूला रहा, एल्काइन का फार्मूला रहा। और एल्कीन के लिए क्या है बच्चों, सी एन एच टू एन है और सी एन एच टू एन प्लस टू है। और एक ट्रिक बताएं बच्चों, अगर ये होता है एल्केन का फार्मूला सी एन एच टू एन प्लस टू, ये टू क्या होते हैं बच्चों हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ये क्या होते हैं आपके हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अगर यहां पर हमने हाइड्रोजन परमाणु दो लगाया तो एल्केन, दो नहीं लगाया तो एल्कीन, दो नहीं लगाया तो एल्कीन, और दो घटा दिया, दो घटा दिया तो क्या होगा बच्चों आपका एल्काइन। ये फार्मूला बच्चों आप याद रखिए क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो ठीक है बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने आसपास रिश्तेदारों में अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा, और यदि कुछ डाउट बचा तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।